हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। आठवें चरण के तहत 24 नवंबर को होगा चौसा प्रखंड में पंचायत का चुनाव। प्रशासनिक तैयारियां पूरी, स्वच्छ, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट। कृषि बिल पर बिहार में अभी भी सियासत जारी, सुभाषपा के बिहार प्रदेश प्रभारी ने उठाए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल। बिहार में शराबबंदी के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत, शराबबंदी की सफलता के लिए करे पुलिस पर कंट्रोल, नहीं तो शराबबंदी सरकार के लिए बन जाएगी बड़ी मुसीबत। बक्सर के सिमरी में खुलेआम उड़ रही आदर्श आचार संहिता की धज्जियां, शिकायत के बाद भी प्रशासनिक उदासीनता से लोगों में नाराजगी, कार्रवाई नहीं होने से उठ रहे सवाल। और परिवार नियोजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग जुटा लोगों को जागरूक करने में, इटाढ़ी पीएचसी से हरी झंडी दिखाकर किया गया जागरूकता रथ को रवाना। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक, काम धेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर, बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमराव, बक्सर। आठवें चरण के तहत चौसा प्रखंड में पंचायत का चुनाव कराया जाना है, लिहाजा इसकी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यूपी और कैमूर की सीमा पर स्थित चौसा प्रखंड में शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त मतदान कराने को लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। आगामी 24 नवंबर को यहां जिला परिषद की एकमात्र सीट के अलावा नौ पंचायतों के मुखिया व सरपंच सहित पंचायत समिति सदस्य के 12 पद और पंच और वार्ड सदस्य के 110 में से 109 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस प्रखंड में आज प्रचार का शोर थम गया, जिसके बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से वोट जुटाने की कोशिश में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक 9 पंचायतों में 249 पदों पर होने वाले मतदान में 281 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, लिहाजा सभी प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारियों को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने के ऐलान के बाद बिहार में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे किसानों के हित में बता रहा है। कृषि बिल के वापस के ऐलान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एसके सैनी ने कहा है कि कृषि बिल वापस लेने के ऐलान से साफ पता चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की बातों का कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण केवल किसान ही नहीं बल्कि आम लोग भी परेशान हैं। अब देश के लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर जिस व्यक्ति का चुनाव किया वह चुनाव सही नहीं था। और वैसे देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे, इस तरह की घोषणा करके बिल वापस करे और कहीं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, आप जब किसानों को नहीं समझा पाते हो तो देश की जनता को क्या समझाओगे? और देश की जनता तो वैसे भी अपने आप में अब यह समझ चुकी है कि हम लोगों ने देश के मुख्य कुर्सी पर जो है गलत लोगों का चुनाव कर दिया। यह बहुत बड़ा यह दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी जुबान में कोई भी सत्यता नहीं और तथ्य पूर्वक जो है कोई भी बातें जो है झलक के नहीं आ पाती है, जिससे भारत के लोग इस बात पर अब विश्वास कर ले कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, यथार्थ वो सत्य है, ये बिल्कुल मेरे समझ से परे। कभी यूपी सरकार का हिस्सा रह चुके सुभाषपा पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी डॉक्टर एसके सैनी ने बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया है कि बिहार और यूपी की राजनीति में उनका दल और समाज हाशिए पर है, लेकिन बावजूद इसके वह गलत नीतियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते रहेंगे। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उनका दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री एक सफल शासक तो हैं, लेकिन उनकी अनकंट्रोल पुलिसिंग के कारण ही बिहार में शराबबंदी कानून फेल हो रही है। लगे हाथ उन्होंने नीतीश कुमार को यह
सलाह भी दे दी कि अगर नीतीश कुमार बिहार की पुलिस पर कंट्रोल करके सही रणनीति के साथ काम करते हैं तो शराबबंदी जरूर सफल होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शराबबंदी उनके लिए आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगी। देखिए, माननीय नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी लागू की, माननीय नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से एक अच्छी पहल की, लेकिन माननीय नीतीश कुमार की पहल जो है कितनी कारगर साबित हुई और सिद्ध हुई, ये आज बिहार जो है पूरी तरह से बिहार की अन्यत्र पार्टियां जो है चिल्ला चिल्ला के कह रही है। माननीय नीतीश कुमार एक अच्छे शासक हैं, नो डाउट, लेकिन माननीय नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर पर से जो है पूरी तरह से जो है पकड़ जो है खत्म ढीली हो पड़ गई है, और सबसे बड़ी पकड़ उनकी ढीली पड़ गई है यहाँ की पुलिसिंग पर। डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों को बैठा कर सिर्फ वहां से जो है दो चार शब्द बोल करके दबाव दे देने से नहीं होगा। यहाँ की जनता थाने में, आम जनता जो है पिसते जा रही है, गलत को सही और सही को गलत, अपराधी को जो है एक सज्जन इंसान और सज्जन इंसान को अपराधी घोषित करके जो है न्यायालय के साथ भी खिलवाड़ और धोखाधड़ी हो रही है। सर, यहाँ की जनता पूरी तरह से पिसती जा रही है बॉर्डरों को ब्लॉक करके। इनकी नीति जो है पूरी तरह से गलत है। अगर माननीय नीतीश कुमार अपनी नीति पर पुनः एक बार जो है अमल करें कि आपने जो शराब नीति जो बनाई है उस पर जो है किस तरह से शराब नीति को पूरी तरह से लागू करना है, तो निश्चित रूप से जो है अगर पुलिसिंग की व्यवस्था को टाइट करते हैं, बॉर्डरों को जो है वहाँ पे मीडिया कर्मी और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखते हैं, मीडिया कर्मियों को जाने का वहाँ पे जो है ये करते हैं, वहाँ पे निगरानी देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की जो नीति है पूरी तरह से जो है कारगर साबित होगी, सिद्ध होगी, नहीं तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर आप घिर जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी, इस बात को सोचें। जिले के सिमरी प्रखंड में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रखंड का सहियार गांव सहित कई गांव पूरी तरह से पोस्टर से पटे पड़े हैं, लेकिन अधिकारियों की नज़र इस पर अभी तक नहीं गई है। गांव में निजी मकान हो या फिर अन्य मकान, सभी जगहों पर पोस्टर अभी भी लगे पड़े हैं जो आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। गौरतलब है कि 10वें चरण के तहत 8 दिसंबर को सिमरी में पंचायत का चुनाव होना है और 10 को मतगणना। इस तरह आदर्श आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और प्रशासनिक कार्यशैली पर भी लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। कुछ लोगों ने पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, पुलिस भी आती है, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिले के डुमराव अनुमंडल में स्टेडियम बनाने का सपना आज भी अधूरा दिखाई दे रहा है। दरअसल डुमराव नगर सहित इलाके के लोगों को उम्मीद थी कि 2015 के अंत तक ऐतिहासिक राज हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया। गौरतलब है कि राज हाई स्कूल खेल मैदान में स्टेडियम बनाने को लेकर पिछले कई वर्षों से चर्चाओं और कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि तत्कालीन कला संस्कृति मंत्री के अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यहाँ स्टेडियम बनाने की बात कही थी। वर्षों बीत जाने के बाद भी दावे और योजनाएं हवा हवाई हो गईं और लोगों को स्टेडियम का सपना आज भी कोसों दूर दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि आज डुमराव राज हाई स्कूल का खेल मैदान पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुका है। सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहां के खेल प्रेमियों को मायूस होने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के कृषि भवन स्थित कृषि सभागार में कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान खेतों में पराली जलाए जाने को लेकर गंभीर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को इसकी मॉनिटरिंग को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान खेत में पराली नहीं जलाने को लेकर सबसे पहले किसानों को जागरूक करने पर बल दिया गया और फिर ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई। बैठक में यह तय किया गया कि जो भी लोग किसान खेत में पराली जलाते हैं उनके पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगले 3 वर्षों तक उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का अनुदान का लाभ नहीं मिल पाएगा। पुरुषों ने परिवार नियोजन अपनाया, सुखी परिवार का आधार बनाया, इसके अलावे 2 बच्चे ही सबसे अच्छे स्लोगन के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार नियोजन जागरूकता रथ को सोमवार को इटाढ़ी PHC से रवाना किया गया। PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्याम बाबू रजक ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान चिकित्सा पदाधिकारी सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास उपाध्याय ने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम लोगों में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरुष नसबंदी बिल्कुल सही और उपयोगी है, जिसमें पुरुष नसबंदी को बिना टीका चीरा लगाए महज 10 मिनट में कर दिया जाता है, जिसमें ना तो दर्द होता है और ना ही कमजोरी। पुरुषों के पुरुषार्थ में भी कोई कमी नहीं आती। महज आधा घंटा के बाद
बाद ही पुरुष स्वयं अपने पैरों पर चलकर अपने गंतव्य तक जा सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग परिवार को सीमित करने के उद्देश्य से रथ के जरिए लोगों को जागरूक करने में जुटा है, ताकि लोग सुखी परिवार के स्लोगन को समझ सकें और इसमें आगे बढ़कर सहभागिता निभा सकें। यह पखवाड़ा 22 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें PHC पर हर रोज पुरुष नसबंदी के अलावे महिला बंध्याकरण सहित परिवार नियोजन से जुड़े तमाम परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार, देखिए खुला दरबार। खुला दरबार।